ऋग्वेदिक संवादा से कुछ प्रमुख प्रश्न है जो चार संवाद आपने पढ़े हैं कि यम यमी संवाद पढ़ा है, पूर्व उर्वशी संवाद पढ़ा है, एक सर्वापणि संवाद पढ़ा है, एक विश्वामित्र नदी संवाद पढ़ा है। तो ऋग्वेद के चारों संवाद नेट के कोर्स की दृष्टि से, इसके अलावा आपके जो है फर्स्ट ग्रेड के कोर्स की दृष्टि से, इसके अलावा डीजीटी के कोर्स की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पहला प्रश्न है, प्रथम प्रश्न, यम यमी संवादस्य ऋग्वेदे समुचित क्रमः अस्ति। यम यमी संवाद का ऋग्वेद में उचित क्रम क्या है? दसवें मंडल का 95वां सूक्त है, तीसरे मंडल का 33वां सूक्त है, दसवें मंडल का 10वां सूक्त है, या दसवें मंडल का 108वां सूक्त? बिल्कुल सही बताया आपने, एकदम सही बताया, दसवें मंडल का 10वां, क्योंकि दसवें मंडल का 95वां जो है वो पूर्व उर्वशी संवाद है, दसवें मंडल का 108वां जो है वो आपके सर्वापणि संवाद है, और तीसरे मंडल का 33वां जो है वो विश्वामित्र नदी। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, कस्मिन संवादे इंद्र सूक्तस्य पृष्ठभूमि अस्ति। किस संवाद में इंद्र सूक्त की पृष्ठभूमि है? ए ऑप्शन में है विश्वामित्र नदी संवाद, इसको समूह बताएगा, समूहराज बताएगा। ए ऑप्शन में विश्वामित्र नदी संवाद, बी ऑप्शन में है कौरवा उर्वशी संवाद, सी ऑप्शन में है यम यमी संवाद, और डी ऑप्शन में है सर्वापणि संवाद। तो बताओ शंभुलाल, इसमें कौन सा आएगा, कौन से ऑप्शन का चयन करोगे आप? सर्वापणि संवाद। सर्वापणि संवाद, बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, शाबाश, तालियां बजाओगे शंभुलाल के लिए, ढंग से तालियां बजाओ। अच्छा, अब तीसरा प्रश्न है, राज्य सुदासस्य राजा सुदास क्या कुल पुरोहित आसीत, राजा सुदास का कुल पुरोहित था? ए ऑप्शन में है वशिष्ठ है, बी ऑप्शन में है विश्वामित्र, सी ऑप्शन में है कण्व, डी ऑप्शन में है गृत्सम। तो यहाँ हमें मनीषा बताएगी, मनीषा बताओ इसमें क्या आएगा आंसर? एबीसीडी में से ए ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं आएगा, कुल पुरोहित पूछा जा रहा है, कुल गुरु नहीं पूछा जा रहा, कुल गुरु कौन है? वशिष्ठ, आज ही लिखा है आपको, कुल गुरु कौन है? वशिष्ठ, और कुल पुरोहित कौन था? विश्वामित्र सूर्यवंश का, और सुदास सूर्यवंशी राजा था, तो यहाँ बी ऑप्शन आएगा, इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हर प्रश्न में सोच समझ के उत्तर देना है। अच्छा, अब है चौथा प्रश्न, शर्मा इंद्रस्य आसीत, शर्मा इंद्र की क्या थी? तो यहाँ हमें उत्तर देखो सोच समझ के देना है, शर्मा इंद्र की भार्या अर्थात पत्नी थी, स्वाना अर्थात पुतिया थी, प्रिया अर्थात प्रेमिका थी, सुता अर्थात बेटी थी। तो सभी उत्तर बताइए क्या आंसर आएगा? बी, स्वाना। शर्मा इंद्र की स्वामी पत्नी जो है स्वाना थी, जिसने जो है पणि दैत्यों के यहाँ जो गाय हरण करके ले जाएगी थी उनका पता लगाया था, तो ये बी ऑप्शन है। पांचवा प्रश्न है, विश्वामित्र नदी संवादे कश्या नद्या स्तुति ने अस्ति। इस प्रश्न को जो है बहुत सोच समझ के पढ़ना, विश्वामित्र नदी संवाद में किस नदी की स्तुति नहीं है? नहीं है, अस्ति और ने अस्ति का ध्यान रखोगे पेपर में तो कभी गलत नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जब आप उत्तर देंगे, देखो पहला ऑप्शन में क्या है, सतद्रु अर्थात सतलज नदी, बिपाशा अर्थात व्यास नदी, भागीरथी अर्थात गंगा नदी, और डी ऑप्शन में है विकल्पेशु ने अस्ति। इस प्रश्न का जो उत्तर देगी वो चांद देगी, तो क्या आएगा इसमें? भागीरथी नदी, भागीरथी नदी जो है उसकी वहां स्तुति नहीं हुई। और ये पांचों प्रश्न जो है आपके जो चार संवाद हुए उन चारों संवादों का सारांश आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से आप याद रखें कि इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आपके आएंगे। आज के प्रश्न आप सबको कैसे लगे? बोलिए, क्लियर हो गया? यस, पंडा क्लियर हो गया? यस सर। ओके।